मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त रजनी और एक बार फिर से आप सबका करती हूं स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। नेक्स्ट नाइन लाइफ जिसमें हम हमेशा आप सबको रीसेंट अपडेट देते हैं हर एक खबर की। लेकिन आज हम करने वाले हैं बात कलर्स टीवी के शो बैरिस्टर बाबू को लेकर। यूं तो आप सभी की नजर चली गई होगी हमारे प्रोग्राम की हेडलाइन पर जिसमें हमने लिखा है कि ये एक्ट्रेस बनेगी 10 साल के लीव के बाद नई बॉन्डिता, इस तरह शो में होगी ग्रैंड एंट्री। कौन है ये एक्ट्रेस, क्या है बैरिस्टर बाबू के ट्रैक का पूरा सच, बिना देरी किए चलते हैं रिपोर्ट की ओर और जानते हैं पूरा सच। देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन जिसमें हमने लिखा है कि 10 साल बाद ये एक्ट्रेस बनेगी शो की नई और बड़ी बॉन्डिता, शो में होगी धमाकेदार एंट्री। तो क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में आने वाला है एक धमाकेदार नया ट्विस्ट जिसमें अब आपको नजर आएगी नई बॉन्डिता। जी हाँ, आपको बता दें कि शो में अब आने वाला है पूरे 10 साल का लीप और इस लीप के बाद नई बॉन्डिता की एंट्री होगी। लेकिन ये बॉन्डिता कौन होगी, चलिए बताते हैं आपको। बात की जाए सबसे पहले शो के रीसेंट एपिसोड की, तो ये बात आप जानते हैं कि अनिरुद्ध ने कर ली है बॉन्डिता के होते हुए भी दूसरी शादी मनोरमा के साथ। और ऐसे में अनिरुद्ध की शादी को गलत मान रही है बॉन्डिता और चाहती है अपने पति अनिरुद्ध को फिर से पाना, और इसीलिए लाख जतन कर रही है बॉन्डिता अनिरुद्ध को मनोरमा से दूर करने की और चल रही है एक के बाद एक नई चाल। लेकिन अनिरुद्ध ने रखी है बॉन्डिता के सामने शर्त। अनिरुद्ध चाहता है कि या तो बॉन्डिता पति बाबू की जिद छोड़ दे और इस शादी को एक्सेप्ट कर ले, या फिर बॉन्डिता चाहती है कि अगर उसकी दूसरी शादी टूटे अनिरुद्ध मनोरमा से अलग हो तो उसके लिए बॉन्डिता को जाना होगा हॉस्टल और वहां पर करनी होगी अपनी पढ़ाई पूरी। अब बॉन्डिता इन दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर रही है और इसी जिद को मनाने के लिए अनिरुद्ध कर रहा है कोशिश मनोरमा के साथ झूठी शादी के ड्रामे का। ये बात सिर्फ मनोरमा और अनिरुद्ध जानते हैं कि दोनों झूठी शादी का ड्रामा कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक तरफ अनिरुद्ध बॉन्डिता के भविष्य को बनाने के लिए मनोरमा से शादी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मनोरमा भी अपने काम को पूरा करने के लिए अनिरुद्ध का साथ दे रही है। लेकिन शो में असली ट्विस्ट तब आएगा जब आप सबको दिखाया जाएगा कि फाइनली बॉन्डिता मान लेगी अनिरुद्ध की शर्त और मनोरमा से अनिरुद्ध को अलग करने के लिए एक्सेप्ट कर लेगी अनिरुद्ध की शर्त और कहेगी कि वो हॉस्टल जाने के लिए तैयार है और पढ़ने के लिए भी तैयार है। जहां पर आप देखेंगे कि बॉन्डिता कहेगी कि वो पढ़ने जाएगी लेकिन उससे पहले अनिरुद्ध को अपनी दूसरी शादी तोड़नी होगी और बॉन्डिता को ही पत्नी के रूप में स्वीकारना होगा। जहाँ पर अनिरुद्ध भी बॉन्डिता की शर्त को एक्सेप्ट कर लेगा और बॉन्डिता को पत्नी के रूप में स्वीकार कर मनोरमा को छोड़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि खुशी खुशी से बॉन्डिता हॉस्टल पढ़ने जाएगी, जहाँ पर आप सबको दिखाया जाएगा कि एक तरफ अनिरुद्ध होगा जो यहाँ पर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करता नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ बॉन्डिता होगी जिसकी हॉस्टल में पढ़ाई शुरू होगी। जहाँ पर बॉन्डिता को कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो बॉन्डिता का साथ देंगे, तो कुछ दोस्त ऐसे मिलेंगे जो बॉन्डिता के अगेंस्ट होंगे, जो बॉन्डिता की कई सारी मुसीबतें पैदा करते नजर आएंगे। लेकिन बॉन्डिता उन मुसीबतों से भी हार कर जीतती हुई नजर आएगी। यहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बॉन्डिता को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉन्डिता हर बार उन्हें मात देकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे ही शो की कहानी आगे बढ़ती जाएगी, जहाँ पर एक तरफ बॉन्डिता का हॉस्टल का ट्रैक दिखाया जाएगा और दूसरी तरफ अनिरुद्ध का। ऐसे ही आपको दिखाया जाएगा कि धीरे धीरे शो में पूरा 10 साल का लीप आ जाएगा और 10 साल के लीप के बाद आपको बड़ी बॉन्डिता नजर आएगी। अब खबर वायरल ये हो रही है कि 10 साल के लीप के बाद आप सबको सीरियल बैरिस्टर बाबू में नई बॉन्डिता के तौर पर कोई और एक्ट्रेस नहीं बल्कि दिखाई दे सकती है एक्ट्रेस नीति टेलर। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रविष्ट मिश्रा के अपोजिट एक्ट्रेस नीति टेलर बन सकती है शो की नई बॉन्डिता और ले सकती है शो में धमाकेदार एंट्री। लेकिन अभी तक शो के मेकर्स की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। यहाँ पर अभी तक सिर्फ नाम सामने आए हैं, जहाँ पर पहले जैवलीना भट्टाचार्य का नाम भी सामने आया था, लेकिन अब नीति टेलर का नाम भी सामने आया है बड़ी बॉन्डिता के तौर पर। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि बड़ी बॉन्डिता आखिर कौन बनेगी, लेकिन अभी तक सिर्फ नाम ही सामने आए हैं। आप कौन सी एक्ट्रेस को बड़ी बॉन्डिता के तौर पर देखना चाहते हैं, उसका नाम बताना बिल्कुल भी ना भूले। नेक्स्ट लाइव रजनी की रिपोर्ट।
तो देखा आपने कि किस तरह से बैरिस्टर बाबू में एक्ट्रेस निधि ट्रेलर बन सकती है शो की नई बॉन्दिता, लेकिन बॉन्दिता के लुक में कैसी लगेगी निधि ट्रेलर ये बताना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आप भी चाहते हैं किसी और एक्ट्रेस को बॉन्दिता के तौर पर देखना तो उसका नाम लिखना भी बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक लिए।